महाराज जी प्रणाम। कुंडलनी तंत्र फाउंडेशन के माध्यम से आप युवाओं और युवतियों के लिए क्या संदेश या क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, कृपया वो मैसेज उन युवाओं युवतियों को दीजिए ताकि उसका लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य कर सके। स्वागत और अभिनंदन। मैं अपने उन सभी प्रेमी और चाहे वो पुरुषों के रूप में मेरे प्रेमी हो या महिलाओं के रूप में, उन देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जिन प्रेमियों के योगदान की वजह से और प्रेरणाओं की वजह से आज मुझ में बोलने की जो ताकत आई है, कुछ काम करने की जो ताकत आई है, और जिन्होंने मुझे एकांतिक जीवन से सामाजिक जीवन में सेवा के अवसर के लिए प्रेरित किया है, ऐसे लोगों का मैं ऋणी हूँ। क्योंकि मैं तो अपने एकांत अवस्था में जी रहा था, लीन था, समाज से कोई लेना देना नहीं, बस जितना ज़रूरी है। लोगों ने, इन मेरे मित्रों ने, प्रेमियों ने, शिष्यों ने और मेरी प्रेमिकाओं ने प्रेरणा दिया कि आपके लिए निश्चित रूप से समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए, और एक इनर मोटिवेशन, एक इंस्पायरेशन भी मेरे लिए मिला कि जो तुमने पाया है जब तक उसको बांट के नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। तो सावधान, चाहे आप सांसारिक जीवन में धन इकट्ठा कितना भी कर लो, और जो बांटने का सुख है, जो कमाने में इतना सुख नहीं मिलता है जो बांटे कमाए हुए को बांटने में मिलता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि पात्रों के हाथ में पहुँचे। रही बात दूसरी है कि ये जो अभी साधक हैं, इन्होंने सवाल किया, उन युवा युवतियों की तरफ से इन्होंने सवाल किया कि गुरुदेव, जो संगठन का कार्य है, संगठन का जो योगदान है, उस योगदान के माध्यम से आप उनका क्या हित कर सकते हैं, उनका क्या भला हो सकता है। तो एक जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे देश के ही नहीं अपितु जो विदेश से भी लोग मेरे टच में हैं, संपर्क में हैं, उन लोगों का कल्याण हमारे तंत्रा फाउंडेशन माने कुंडलनी तंत्रा फाउंडेशन के माध्यम से इतना अच्छा हित हो सकता है जिसकी कल्पना शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसे, आज ये टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का ज़माना है, और उनकी जो योग्यता है, हमारे संगठन में उनकी योग्यता का उपयोग हो सकता है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। साथ में जो लड़का लड़कियां मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं और जो सेक्सुअल लेवल पे बहुत अधिक परेशान चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करने से नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है, और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, घबराहट बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, व्याकुलता बढ़ रही है, तो इससे जीवन हमारा बड़ा ही एक असहज होता जा रहा है, अशांत होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे शांत और सहज बनाएं? हमारी एक मैडम है, अर्थात हमारी मिलने वाली हैं, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज धन 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 बहुत इकट्ठा हो रहा है, पदार्थ बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन दिल का जो चैन है ना, वो बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। पति अलग नौकरी कर रहा है, पत्नी अलग कर रही, पैसे की गड्डियाँ तो इकट्ठी हैं, लेकिन दो मिनट का समय प्यार से बात करने के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमारा एक असंतुलन पैदा होता है, ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। जितनी आवश्यकता पुरुष को स्त्री की है, स्त्री को पुरुष की भी उतनी ही है। तो सांसारिक जीवन जीते हुए एक दूसरे को समय निकालें, समय समय पे एक दूसरे का ख्याल रखें, ये मेरा सुझाव है। और साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, हमारा ये संगठन कितने मुद्दों पर काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा कुंडलनी तंत्र फाउंडेशन है, इसकी हमारी जो संरचना है, जो प्रोग्रामिंग है, जो मानचित्र एक मैपिंग किया है हमने, वो यह है कि तीन स्तंभ मैंने बनाए हैं तंत्रा के, कुंडलनी तंत्रा के। एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग उन लोगों के लिए है जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं और जो सेक्स को बेहतर तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है या हो रही है। दूसरा है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उनके लिए है जो सन्यासी जीवन जी रहे हैं, एकाकी जीवन जीना जी रहे हैं, तो वो अपनी ऊर्जा को उद्गमन कर सकते हैं, माने मेडिटेशन की जो उच्चतम अवस्था, हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड है, उसके लिए वो इंजॉय कर सकते हैं। तीसरा है संस्कृति मार्ग। जो लोग चाहते हैं कि हमारी संतानें अच्छी पैदा हों, हमारा समाज अच्छा बने, तो उनके लिए संस्कृति मार्ग एक बेहतर विकल्प है। इस विकल्प को आप फॉलो करो, इसके वीडियोस को आप ग्रहण करिए। आप कैसी संतान पैदा करना चाहते हैं, संतान पहले तो आपको शादी से पहले के वीडियो देखना चाहिए कि शादी से पहले क्या करें, सुहाग रात से पहले क्या करें, और बच्चा पैदा करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपकी तैयारी क्या होना चाहिए।
बच्चा पैदा करते समय अर्थात सेक्स करते समय आपको शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्तर से कैसे तैयार होना चाहिए, यह आपको मिलेगा जानने के लिए, सीखने के लिए। जब बच्चा गर्भ में आ जाएगा तो माता पिता का रहन सहन, खान पान और दृश्य परिदृश्य कैसे होना चाहिए, यह आपको ट्रेनिंग बाद में मिलेगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद ही, क्योंकि मैं कहता हूँ भ्रष्ट संभोग से ही भ्रष्टाचारी समाज का जन्म होता है। यदि तुम्हारा भ्रष्ट संभोग होगा तो कैसे कल्पना कर सकते हैं अच्छी संतान पैदा होगी। अब आप कहेंगे संभोग भ्रष्ट या अभ्रष्ट कैसे होता है, संभोग तो संभोग होता है। वो नादान लोग हैं, वो बिल्कुल ही बच्चे हैं जो इस तरह का बचकाना सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ज़मीन में अगर तुम गलत टाइम में बीज डालोगे तो निश्चित रूप से वो फसल तैयार सही से नहीं हो पाएगी, उसका समुचित विकास नहीं हो सकता है। इसके अलावा तो ऐसे गर्भाधान का एक समय होता है, एक टाइम होता है, आपने क्या खा करके आपने अपने शरीर को अंदर जो वीर्य बना रहे हो, सरप्लस एनर्जी बना रहे, उसका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आहार विज्ञान है। आहार विज्ञान, योग विज्ञान का जब तक एक संयुक्त मिलान नहीं होगा, एक एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, इनको ग्रहण नहीं करोगे, तब तक निश्चित रूप से आपकी संतान बेहतर हो ही नहीं सकती। तो संभोग को सुधारना है तो आपको योग के या तंत्र के गहरे प्रयोग सीखना चाहिए, ये उनके लिए है। इसके अलावा सबसे अच्छा एक मौका बहुत अच्छा है, जो लड़के लड़कियां, हेलो, जो अपने जीवन में संन्यास की तरफ आना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं और जो मेरी विचारधारा से प्रभावित हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, कम से कम 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तो उन लोगों का बाकायदा इंटरव्यू लिया जाएगा। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मिलने वाले उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे और फिर उनको समय पर बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। ये बात, उसमें आपको अपनी एज लिखना पड़ेगा, एजुकेशन लिखना पड़ेगा, आपकी वर्किंग क्या है, आपका सिटी का नेम क्या है और आप क्यों संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलिंग नंबर मिलेगा और कॉलिंग नंबर पे आप बात करके आगे की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो जो लड़का है, लड़कियां हैं या जो बूढ़े हैं, जवान हैं, जो अपने बाकी के जीवन को समाज सेवा के लिए लगाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि हमने घर गृहस्थी में बहुत समय लगा दिया और हम कुंडली तंत्र फाउंडेशन के माध्यम से मैं ऐसे भी विकल्प खोलूंगा जिसमें बड़े बूढ़े जो स्त्री पुरुष होते हैं, जिनके संतान छोड़ के चली जाती है, दूर रहने लगती है, देश में विदेश में रहने लगती है और उनके माता पिता असहाय हो जाते हैं, वो बात करने को तरसते हैं, हम ऐसा वृद्ध सेवा आश्रम का भी एक हमारी कल्पना है। उसके अलावा मैं एक संस्कृत का और योग और तंत्र का एक ऐसा एक प्रयोग स्थली खोलूंगा जिसे हम गुरुकुल कह सकते हैं, ताकि जो हमारे चुने हुए छात्र और छात्राएं होंगे उसमें प्रवेश करेंगे और वो अपने जीवन को पौराणिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पे, मनोवैज्ञानिक स्तर पे, तांत्रिक तंत्र के स्तर पे उनका समुचित विकास हो और वो समाज की सेवा अच्छे से कर सकें और अपना पारिवारिक और साथ में सन्यासी जीवन को जी सकें। तो जो लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, मैं उनका आह्वान करता हूँ, स्त्री पुरुषों का, लड़के लड़कियों का, जो युवा युवती हैं, आप जुड़ें इस मिशन में, आप इसके एक मील के पत्थर बने और आप इसके एक ऐसे कंपोनेंट घटक बने, ताकि ये मिशन हमारे भारत से लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे और समाज की सेवा, मानव की सेवा के साथ साथ पर्यावरण, जो कि हम जिसके अंग हैं या हमारा जो अंग है या जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हमें वो भी एक हेल्दी बनाना है। इस जानकारी को आगे बढ़ाएं और आप संपर्क करें यदि कोई शंका है या आप कुछ जानना चाहते हैं। ओके।